हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, यहाँ पर सुबह का टाइम था और काफ़ी दिनों से ये वाली सब्जी का मैं वेट कर रही थी बढ़ने का, तो ये सब्जी आज मैंने सोचा चलो निकाल ही देती हूँ फाइनली। और ये किस किस के साइड में मिलती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे हमारे महाराष्ट्र में चवड़ी की सब्जी बोलती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और यहाँ पर तो सभी की फेवरेट ही होंगी ये, और मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इसीलिए मैं इसे निकाल के लिए बढ़ गई थी। काफ़ी सारी थी गार्डन में तो मैंने सोचा चलो आज निकाल ही देती हूँ इसे, तो इसीलिए मैंने इसे निकाल दिया था। और बस इसे वॉश करके यहाँ पर सुखाने के लिए डाल रही हूँ, तो एक्चुअली मैंने उसे वॉश कर लिया है। और थोड़ी ना काटनी नहीं होती है ना, इसे उखाड़नी होती है, तो इसी वजह से थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी सी लग जाती है उसे नीचे से, तो इसीलिए मैंने उसे वॉश कर लिया और अच्छे से सुखा ले रही हूँ इसे। बस ये सूख जाएंगे, इसके बाद इसकी सब्जी बनाने के लिए ये रेडी हो जाएगी। आपको अभी दिखने में इतनी ज़्यादा दिख रही है बट ना ये बनने के बाद इतनी कम हो जाती है ना, थोड़ी सी ही बनती है ये वाली सब्जी, तो इसमें बेसन ऐड करके बनाना होता है। तो जब भी मैं बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए बना रही थी टोस्ट, और उसको मैं पीनट बटर लगा के खाती हूँ। पहले मैं ना ब्राउन ब्रेड को टोस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं उसे पीनट बटर लगा के खाती हूँ। और हाँ यार, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है वेट लॉस रेसिपी के लिए, मतलब वेट लॉस ब्रेकफास्ट रेसिपी के लिए, तो आप लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की है, तो मैं ना कल से आपके लिए ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर कर दिया करूँगी डेली। तो बस यहाँ पर आज टाइम नहीं था, इसी वजह से यही टोस्ट को पीनट बटर लगा के खाऊंगी, बट कल से ना आपके लिए वेट लॉस रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी, ब्रेकफास्ट वेट लॉस रेसिपी। और आप लोग पूछ रहे थे कि ये वाला जो टोस्टर है वो कौन सी कंपनी का है, तो मैंने बहुत बार बताया है यार आपको ब्लॉग में, फिर भी यही क्वेश्चन आता है हमेशा कि टोस्टर कौन सा है, टोस्टर कौन सा है। तो ये ना बजाज का टोस्टर है, अगर आपको लिंक चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगी आपके लिए। तो बस इसके साथ ही मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और हाँ, आगे मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। वैसे लाइमरोड ऐप के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं दोनों कैटेगरी के लिए, वुमेन एंड मेन दोनों कैटेगरी के लिए आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग अगर वुमन के लिए देखते हैं तो यहाँ पर दिख जाते हैं हमें कुर्ता, टॉप्स, ड्रेसेस, साड़ी, सूट, एथनिक वेयर, बॉटम वेयर, बैग्स, ब्यूटी, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर वुमन के लिए मिल जाते हैं। और अगर आप मेन के लिए हम लोग देखते हैं तो मेन के लिए टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, ट्राउज़र, एथनिक वेयर, फुटवेयर, वॉचेस, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे प्रोडक्ट है और वो भी बहुत ही कम दाम में, तो ये सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बट मैं आज आपको एक स्पेशल ऑफ़र के बारे में बताना चाहती हूँ, वो है कट द प्राइस का ऑफ़र। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको लेफ्ट साइड में थ्री लाइंस दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वो थ्री लाइंस पे क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा, और इसमें थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो कट द प्राइस का ऑप्शन है। तो कट द प्राइस के ऑप्शन पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो इस ऑफ़र में चल रहे हैं, और इन सारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आपको अगर इसमें से कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप उस पर क्लिक करके वो प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये कुर्ता अभी पसंद आ गया है, मैं इस पर क्लिक करके इसे बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे परचेस भी कर सकती हूँ, ऐड टू कार्ट भी करके रख सकती हूँ। बट अगर आपको यही कुर्ता फ्री में चाहिए हो तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। उसके लिए आपको बस इतना करना है कि कट द प्राइस के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करना है, और जैसे ही आप इसे शेयर करते हो तो इसके प्राइस में से 20 रुपीज़ आपके हर शेयर पे कट हो जाएंगे, और लास्ट में आपको ये वाला जो कुर्ता है वो फ्री मिल जाएगा, आपको इसकी कोई भी प्राइस पे करनी नहीं पड़ेगी। और हाँ, लाइमरोड ऐप डाउनलोड करने का लिंक जो है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो और उस पर अपना नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हो, और इस पे चलने वाले बहुत ही बढ़िया ऑफर का आप फ़ायदा ले सकते हो। हे गाइस, गुड इवनिंग। और अभी बज रहे होंगे 7:15 शाम के, और यहाँ पर थोड़ी देर टहल रही थी मैं, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। और काफ़ी मौसम अच्छा हो रखा है यार, बहुत अच्छा हो गया है मौसम, तो इसी वजह से थोड़ा सा टहलने का मज़ा आ रहा है। यहाँ पे गैलरी में आ गई हूँ मैं ऊपर, और हाँ, किस किस के साइड में इस तरह का मौसम है ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, 2-3 दिनों से बारिश हो रही है और कंटिन्यू बारिश हो रही है। सुबह तो कंटिन्यू बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुक गई है, तो मैंने सोचा चलो ऊपर आती हूँ
और थोड़ा सा ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऐसे गर्मी 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 से परेशान हो गए थे। अब मौसम अच्छा हो गया है ना, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। किसी ने मुझे कमेंट की थी कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी गर्मी हो रही है, पता नहीं कौन सी साइड में थे, तो उन्होंने कमेंट की थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है उनकी साइड में भी। बट मैं न्यूज़ में देख रही हूँ तो काफ़ी साइड में ऐसे ही मौसम हो रखा है, मतलब बारिश हो रही है बहुत जगह पर, ऐसी बारिश हो रही है। हमारे यहाँ पे भी सुबह से बारिश हो रही थी और 3 दिनों से बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। अच्छा लग रहा है, सुबह तो बहुत अच्छा लग रहा था जब बारिश हो रही थी। मैं शूट बिल्कुल नहीं किया बट मौसम का मज़ा लिया अच्छे से। और आज तो सुबह उठने का भी मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह इतने जल्दी, क्योंकि ठंडी हवा लग रही थी, अच्छा लग रहा था, इसीलिए सुबह उठने का भी मन नहीं किया। तो इन्होंने मुझे उठाया भी नहीं आज सुबह, वैसे ही चले गए थे ड्यूटी, तो बोल रहे थे चलो आज फास्ट कर लेता हूँ। और हाँ, कल वट सावित्री है, तो किस किस का फास्ट आएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। उधर हिंदी साइडर लोगों की वट सावित्री हो चुकी है शायद, बट हमारी मराठी लोगों की कल है, मतलब 5 तारीख को, तो कल वट सावित्री है और कल मेरा फास्ट रहेगा। और कौन कौन फास्ट करेगा और कौन कौन वट सावित्री की पूजा करेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो भी मराठी मुझे देख रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो ब्लॉग है वो वट सावित्री के दिन आएगा, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं वट सावित्री की। और चलिए फिर अभी नीचे चलते हैं, थोड़ा सा काम में लग जाती हूँ क्योंकि काफ़ी देर से टहल रही हूँ यहाँ पे, अच्छा लग रहा था इसी वजह से टहल रही थी। मैंगो लाए थे इन्होंने, वो वॉश करके रख दिया है। और यहाँ पर जो सब्जी थी वो भी सूख गई है, आप देख सकते हो कितनी सारी सब्जी निकल गई यार, ये घर की सारी हो गई है। ये तो 2 टाइम बन जाएगी मेरी सब्जी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये खाने में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसको जब भी बनाऊँगी तब। एक्चुअली देसी सब्जियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ना मम्मी के यहाँ पे जाती हूँ ना, यहाँ पर तो नहीं मिलती इतनी ज़्यादा, बट जब मम्मी के यहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पर मिल जाती है। तो मैं मम्मी को ना हमेशा बोलती हूँ कि यार देसी सब्जी बनाया करो, तो मम्मी बाहर की भी जो सब्जियाँ मिलती है वहाँ पे तो वो बनाती है, और जो घर की भी देसी सब्जी नहीं है मतलब दालें वाले ये वो, तो वो बना देती है मेरे लिए जो जो मुझे पसंद है वो। तो यहाँ पर तो मैं बहुत आलस करती हूँ ऐसे चीज़ें बनाने में, और कभी मुझे दे भी देते, यहाँ पर मिल भी जाती है ना, तो मुझे इतनी अच्छे से बनाना नहीं आता जैसे मम्मी को बनाना आता है। तो मम्मी के घर जाती हूँ तो मम्मी बना देती है मेरे लिए वैसे ही, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी सारी सब्जियाँ। तो ये ना, ये सब्जी जब बनाऊँगी तो अब आपके साथ शेयर करूँगी। और आज तो मेन्यू में बनने वाला है, मतलब डिनर में आज सब्जी बनने वाली है मलाई कोफ्ता, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मेरी तबीयत भी खराब थी तो उसकी वजह से भी कुछ नहीं हो पाया। अभी मैंने सोचा था कि यार मैं बनाऊंगी तो मेरा खाने का मन करेगा, बट नहीं, अभी कंट्रोल करती हूँ और इनके लिए बनाया करूँगी ऐसे सारी सब्जियाँ, मतलब थोड़ी सी अगर उनको खाने का मन किया होटल जैसी सब्जी तो उनके लिए बनाया करूँगी। मेरी वजह से उनको क्यों सजा मिले यार, उनका अगर खाने का मन किया तो उनके लिए बना दिया करूँगी। तो चलिए आज मलाई कोफ्ता बनाती हूँ और उसकी तैयारी करती हूँ, तो आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं मलाई कोफ्ता। यहाँ पर मैंने मलाई कोफ्ता बनाने के लिए लिया है 100 ग्राम पनीर, और उसके साथ मैंने लिए है 2 आलू मीडियम साइज़ के। तो मैं सबसे पहले पनीर को ना ग्रेट कर ले रही हूँ, कद्दूकस कर ले रही हूँ। इसे आप हाथों से स्मैश भी कर सकते हो और कद्दूकस भी कर सकते हो, तो मुझे कद्दूकस करना बहुत ज़्यादा इजी जाता है, तो इसी वजह से मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ यहाँ पे। और जो हमने 2 बॉईल आलू लिए हैं उसे भी कद्दूकस कर लेना है अच्छे से, और दोनों को साथ में मिक्स करना है, मतलब आलू और क्या बोलते हैं पनीर को, तो साथ में मिक्स करना है। और उसके बाद हमें उसमें मसाले ऐड करने हैं,
तो इसके कोफ्ते बनेंगे और उसके बाद ग्रेवी के लिए जो चाहिए होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा अदरक डाल रही हूँ कद्दूकस करके, और पहले मैंने आलू और वो लिया है, पनीर लिया है, उसके बाद अदरक डाला है थोड़ा सा कद्दूकस करके, उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है धनिया पाउडर, और उसके बाद एक चम्मच मैं बड़ा सा एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी यूज़ कर रही हूँ, हल्दी ऑप्शनल है, आपको यूज़ करनी है तो यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 3 चम्मच के लगभग मैदा, आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, मैदा है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, तो दोनों भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादातर आप लोगों के पास कॉर्नफ्लावर नहीं होगा तो इसीलिए मैं मैदा बता रही हूँ, तो मैदे को आपको मिक्स कर लेना है अच्छे से इसमें, और उसके बाद आपको अच्छे से इसे स्मैश कर लेना है और अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें एक दूसरे में, और इसका जो ये है लोई है वो बना लेनी है, इसकी छोटी छोटी लोइयाँ ऐसे बना लेनी है, और उसे ना क्या बोलते हैं एक शेप में बना लेना है, आपको गोल भी बना सकते हो, आप राउंड शेप में भी बना सकते हो, एक शेप में बना सकते हो। तो इस तरह से मैं एक शेप में बना ले रही हूँ सारे कोफ्तों को, और बस उसके बाद आपको इसे डीप फ्राई करना है, और डीप फ्राई करने के टाइम ना आपको जो तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म रखना है, नहीं तो आप इसे अगर गुनगुने तेल में अगर डालोगे ना तो ये टूटने का डर रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा गरम तेल चाहिए इसके लिए, मतलब अच्छे से गरम करना है आपको तेल को, उसके बाद आपको इसको फ्राई करना है उसमें, और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपको इसे फ्राई करना है अच्छे से, आपको इसे चलाते जाना है थोड़ा सा, मतलब चिपके ना ये ऐसे, और ज़्यादा भी आपको इसे छेड़खानी नहीं करनी है नहीं तो ये टूट जाएंगे, तो ध्यान से करना है आपको बस इतना, और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, और सारी साइड से ये हो जाने चाहिए, इस तरह से आपको फ्राई करना है, और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे जो कोफ्ते हैं वो फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है उसे, और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं दिखने में भी, एक शेप में है तो एक जैसे ही लग रहे हैं, और ये मतलब वो भी है कि यार ये प्रोटीन इसमें है तो ये एगी हुआ भेज एग, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, ग्रेवी बनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बाद मैंने ये ऑनियन लिए हैं जो मैंने 2-3 ऑनियन चॉप करके रखे थे, लंबे लंबे चॉप करके रखे थे वो डाल दिए हैं उसमें, उसके बाद ये मैंने टोमेटो ऐड किए हैं उसमें, वो भी मैंने छोटे साइज़ के 2-3 टोमेटो लिए थे वो भी ऐड कर दिए है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से चला लेना है, अच्छे से इसे भून लेना है, और उसके बाद मैंने काजू ऐड किया है उसमें, और इसे भी अच्छे से भून लेना है, और ये गल जाने तक, मतलब टोमेटो गल जाने तक इसे अच्छे से भून लेना है, ब्राउन कलर नहीं आने देना है इसका, सिर्फ आपको ऐसे ही इसे भून लेना है, और बस आपको इसे ठंडा होने के लिए रख देना है इस मसाले को, उसके बाद आपको इसे पीस लेना है मिक्सी के जार में। तो ये हो गया हमारे ग्रेवी के लिए मसाला रेडी, और इसके बाद हम लोग इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए ना मैंने पेस्ट बना लिया है इसका, और इसे ना एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे, तो उसका ना जो छिलका होता है, मतलब क्या बोलते हैं टोमेटो का छिलका, वो निकल जाना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इसे स्ट्रेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ टोमेटो का छिलके छिलके ही रह गए हैं, मैंने सारा स्ट्रेन कर लिया है अच्छे से, तो ये आपके मलाई कोफ्ते के लिए ग्रेवी बन जाएगी, और बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई है, और यहाँ पर मैं कढ़ाई में तेल ऐड करूँगी, उसके बाद मैं इसमें खड़े मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि मैंने लौंग ऐड की है, ये तेज़पत्ता ऐड किया है, इलायची ऐड की है, और दालचीनी भी आपको ऐड करनी है, तो बस इतना ऐड कर देना है, उसके बाद आपको लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, देगी लाल मिर्च, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है, और जो पेस्ट हमने निकाल के रखा था वो ऐड करना है आपको इसे इसमें, और अच्छे से चला लेना है, और इसमें ना आपको नमक ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने भूनने के टाइम ही नमक ऐड किया था, अगर आपको टेस्ट में थोड़ा सा कम लगता है नमक तो आप ऐड कर सकते हो, और बट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर मैंने चीनी ऐड की है क्योंकि मलाई कोफ्ता जो है वो मीठा सा होता है थोड़ा सा, और इसी वजह से मैंने चीनी ऐड की है, और इसमें ना मैंने मलाई ऐड कर दी है, जो दूध की मलाई होती है वो, आपके पास फ्रेश क्रीम है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, नहीं है तो आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हो,
बस यहाँ पर हमारी कोफ्ते की जो ग्रेवी है वो रेडी हो गई है, और इसके बाद मैं कोफ्ता जो है वो एक बोल में निकाल लूँगी कोफ्ते, और उसके बाद उसमें ग्रेवी ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी ग्रेवी ना पतली रखनी है आपको, कोफ्ते ग्रेवी सोक कर लेता है इसी वजह से थोड़ी सी पतली पहले रखनी है, बाद में ये सोक कर लेंगे। इसके बाद मैंने धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए डाल दिया है। और हाँ, सबसे मेन चीज़ कि जब भी आपको इसे सर्व करना है तभी आपको इसमें ग्रेवी में ये कोफ्ते मिक्स करने हैं, नहीं तो अगर पहले से आप मिक्स कर दोगे तो ये जो कोफ्ते हैं वो ग्रेवी सोक कर लेते हैं। तो इसी वजह से आपको जब सर्व करना है तभी आपको कोफ्तों को ग्रेवी में डालना है। और यहाँ पर मैं अपनी रोटियाँ भी बना ले रही हूँ, तो रोटियाँ बन ही चुकी हैं मेरी अभी, और बस इसके बाद हम लोग डिनर कर लेंगे। चलिए गाइस, खाना तो बन गया है, यहाँ पर सब्जी भी है और रोटियाँ भी बन गई है, तो बस अभी आपकी डिमांड पूरी करती हूँ। और किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि एक हसीना थी एक दीवाना था ये गाना गाने के लिए, तो अभी इनको मैंने बोला है ये गाना गाने के लिए, तो गाना गा ही रहे थे, तो मैंने बोला कि आपकी डिमांड भी पूरी कर दो, गाना कब से गाने के लिए बोल रहे हैं सब। और यहाँ पर है अद्विक, अद्विक हाय बोल दो बेटा। पहले हाँ हुडी पहन दो पहले, हाँ हाँ और अब हाय बोलो। पहले मैं इस पे गन्ना रखता हूँ, अच्छा, और फिर हाय बोलता हाय। हाँ चलो, पापा का गाना सुने। हाँ चलो फिर, चलिए अभी इनका गाना सुनते हैं। तो यहाँ पर हमारे सिंगर रेडी है गाना गाने के लिए। सिंगर बोलते तो ये ऐसे ही चिढ़ जाते हैं, मतलब चिढ़ते नहीं है, ऐसे हंसते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ये आवड़त नहीं बोल रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता है बोल रहे हैं। तो चलिए अभी गाना गाएंगे और आप लोग सुन लीजिए। एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक दिन वो मिले तो गाइस, कैसा लगा आपको इनका गाना? आई होप आपको अच्छा लगा हो। और ये जो गाना है ना वो मतलब मेल एंड फीमेल सिंगर का है, तो इसी वजह से ये अभी तक नहीं गा रहे थे। इससे पहले भी मैंने इनसे बोला था कि ये गाना गाओ, तो ये बोले कि ये जो गाना है वो मेल एंड फीमेल सिंगर का है, तो जैसे कि ये गा रहे थे उसके बाद फीमेल सिंगर का आवाज़ आ रहा था, तो वैसे ही ये गाना है। तो और इसका जो बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है ना वो भी इतना अच्छा नहीं है, तो इसी वजह से वो ना थोड़ा सा लाउड नहीं है, मतलब उसमें ही थोड़ा सा घिसा हुआ है, तो इसीलिए ये गा नहीं रहे थे अब तक ये गाना। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा इधर उधर आवाज़ हो गया होगा, बट फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग प्रोफेशनल सिंगर तो है नहीं, चल जाएगा उतना। और यहाँ पर आप लोग पूछ रहे थे ना माही कैसी है, तो माही अभी आप बता दो बेटा कैसी हो आप? ठीक हूँ मैं। तो अच्छी है माई अब, और ये ट्विटी लेके बैठी है माही। हाँ, इसका फेवरेट कार्टून। और हाँ, तो माही की तबीयत अभी ठीक है, मतलब अभी उसका जो पेट दर्द है वो भी ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा टेंशन तो लगा ही रहता है। और हाँ, पढ़ाई अभी स्टार्ट हो गई है इसकी, ऑनलाइन अभी स्टडी चालू है, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं इसके, तो इसीलिए थोड़ी सी अभी दो दिन से नहीं कल शाम से बिजी है ये, तो ऑनलाइन पढ़ाई में मतलब मोबाइल हाथ में लेके बैठी रहती है हमेशा, तो वो थोड़ा सा उसका ना पहले हमें पता नहीं था, एक्चुअली मुझे ना मैसेज ही नहीं आया व्हाट्सएप पे इसके स्कूल का, तो एक्चुअली पहले ही स्टार्ट हो गए थे इसके क्लासेस, दो चार दिन मेरे मतलब मेरी वजह से इसके मिस हो गए, तो उसे ही अभी वो कवर कर रही है, तो चालू है उसकी पढ़ाई। यहाँ पर नाराज क्यों बैठी हो आप? कुछ नहीं, बोर हो रहा है, क्या करूं? बोर हो रही है ये। और हाँ, किसी ने पूछा था मुझे कि ये जो सीढ़ियों का ब्लैक कलर दिखता है, मतलब ये टाइल्स है, ये ग्रेनाइट है, तो ये ग्रेनाइट है डियर, जो क्या बोलते हैं हमारे किचन में नहीं लगा हुआ है, तो वही ग्रेनाइट है ये, और इसका जेड ब्लैक कलर है ना, इसी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये, जो ग्रेनाइट किचन में लगा है सेम ग्रेनाइट है ये। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, खाना खाने के बाद हम लोग डिनर कर लेते हैं अभी, और डिनर करने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो ये है हमारा सिंपल सा डिनर, पापड़ है, रोटी है और मलाई कोफ्ता है।
एक्चुअली मलाई कोफ्ता जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, एक बार ज़रूर ट्राई करना घर पर रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और बहुत सिंपल है, इजी है, आप लोगों ने देख ही ली है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप लोग कभी भी इसे बना सकते हो, तो बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बस अभी अभी डिनर कर लिया है और क्लीनिंग कर ली है किचन की। और हाँ, किसी ने पूछा था मुझसे कि आप लोग घर पे मराठी बोलते हो या हिंदी, तो दोनों लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं डियर, क्योंकि क्या होता है कि माही हिंदी में बात करती है और हम लोग सब मराठी में बात करते हैं, तो माही के साथ हिंदी में बात करना पड़ता है, क्योंकि वो ना मतलब जब से पैदा हुई थी तब से यूपी में थी, मतलब हम लोग यूपी में थे उस टाइम जब वो पैदा हुई थी, उसके बाद हम लोग 5 साल तक यूपी में ही थे, तो इसी वजह से वो हिंदी में बात करती है और उसकी हिंदी अभी भी छूटी नहीं है, वो हिंदी में ही बात करती है और स्कूल में भी ज़्यादातर हिंदी या इंग्लिश ही चलती है, तो मराठी में बात करने का सवाल ही नहीं आता है। घर पे हम लोग मराठी में बात करते हैं उससे, बट वो कंफर्टेबल नहीं रहती है मराठी में बात करने में, तो इसी वजह से हम लोगों को उसके साथ हिंदी में बात करना पड़ता है, तो दोनों लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं घर में। हाँ, अद्वि के साथ हम लोग मराठी में बात करते हैं और उसके साथ हम लोग हिंदी में बात करते हैं, तो ऐसा हमारे घर पर होता है, दोनों लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं। और हाँ, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि जो मैं एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती थी आपसे, मतलब पिछली बार मैंने आपको बताया नहीं था कि कोई गुड न्यूज़ है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो वो गुड न्यूज़ मैंने आपको बताई नहीं थी, फिर उसके बाद मतलब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं की कि गुड न्यूज़ क्या है, और काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट करके भी पूछा था बट मैं उस टाइम उनका जवाब नहीं दे पाई, और काफ़ी लोगों भी मुझे इंस्टा पे भी पूछ रहे हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ थी दीदी है जो आपने बताई नहीं, अभी बता दीजिए अभी बता दीजिए, तो मैंने सोचा चलो फाइनली आपको बता देती हूँ कि कौन सी गुड न्यूज़ थी। एक्चुअली हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात थी, वो काफ़ी बड़ी बात थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि श्रद्धा आपको पता ही है, श्रीकांत की बहन, मतलब मेरी भी बहन ही है, आपको याद होगा जब मैं और श्रद्धा उसका हेयर कट कराने गए थे, तो उस टाइम ना उसको लड़के वाले देखने आने वाले थे, इसीलिए उसको हेयर कट कराने गए थे, और ना उसके बाद जब वो लड़के वाले उसको देखने के लिए आए, उसके बाद उनको ना एकदम से वो पसंद आ गई, मतलब ज़्यादा प्रोसीजर हुई नहीं और एकदम से उनको पसंद आ गया और उन्होंने हाँ बोल दिया, तो उसकी एंगेजमेंट उसी टाइम होने वाली थी, तो वही गुड न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाली थी, बट लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है और लॉकडाउन के बाद तो उसकी जो एंगेजमेंट है वो पोस्टपोन हो गई थी, वही गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाली थी कि उसकी एंगेजमेंट है और जिस दिन एंगेजमेंट रहती उस दिन मैं आपके साथ उसका वो एंगेजमेंट का ब्लॉग शेयर करती, पोस्टपोन हो गई एंगेजमेंट और इसी वजह से आपके साथ वो ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई मैं। उसके बाद एंगेजमेंट हुई उसकी, ऐसा नहीं एंगेजमेंट नहीं हुई, एंगेजमेंट की लॉकडाउन में ही एंगेजमेंट की, बट काफ़ी कम लोग थे, मतलब 2-3 लोग उनकी तरफ से थे, 3 लोग उनकी तरफ से थे और 3 लोग इनकी तरफ से थे। एक्चुअली मैं गई नहीं क्योंकि बच्चों को संभालने के लिए कोई नहीं था घर पे और मैं बच्चों को लॉकडाउन में लेके नहीं जा सकती थी, तो इसीलिए मैं नहीं गई थी और सिर्फ इनकी तरफ से श्रद्धा और उसके मम्मी पापा थे और लड़के वालों की तरफ से लड़का और लड़के के मम्मी पापा थे, बस इतने ही लोग थे, 4-5 लोगों में ही उसकी एंगेजमेंट हुई है, तो उसको भी बहुत बुरा लग रहा था। एक्चुअली ऐसे मतलब उसकी सडनली एंगेजमेंट करनी पड़ी तो उसको भी बुरा लग रहा था, बट उसकी शादी है, अच्छे से करेंगे, पता नहीं अभी तब तक कोरोना ख़त्म हो जाएगा या नहीं, तो शादी का ब्लॉग तो आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि हमारे भी बहुत सारे सपने हैं उसकी शादी को लेके, तो वो तो आपके साथ शेयर करूंगी और यही गुड न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो बस यही था आज का ब्लॉग और आज कुछ लोगों के बर्थडे है तो वही उनको विश कर देती हूँ। शुभम के पाटिल ने कमेंट की थी कि उनकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है आज, तो उनकी बेटी का नाम है परिणीति पाटिल, तो हैप्पी बर्थडे डियर परिणीति, आपकी तो लाइफ अभी स्टार्ट ही हो गई है, तो आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ मिले आपको और आगे की लाइफ आपकी बहुत ही अच्छे से जाए, यही आपके बर्थडे के दिन आपके लिए प्रे करती हूँ। और गीता ढेंगनी का भी बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे डियर, और आपकी भी लाइफ बहुत ही अच्छे से जाए और आपकी लाइफ में आपको सारी खुशियाँ मिले। तो इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, और जाते जाते लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।